हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं, जैसे कि मानसून कैसे आता है, भारत के पठार और पर्वत, हिमालय, दर्रे, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ा दी हैं। और हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज देखते हैं आइसलैंड यानी भारत के द्वीप समूह। कहाँ कहाँ पर इंडिया में द्वीप पाए जाते हैं, कैसे कैसे। मैंने फिजिकल डिवीज़न बताया था इंडिया का। देखिए, सबसे ऊपर आपका क्या पड़ता है, पर्वत। फिर ये मैदानी भाग, ये वाला मरुस्थल हो जाता है आपका। फिर ये वाला आपका कोस्टल एरिया हो जाता है। फिर बीच में क्या होता है, पठार। उसके बाद जो आसपास और जितनी चीज़ें बच जाती हैं वो सब क्या है, आइसलैंड। तो मैंने आपको कई सारी चीज़ें बता भी दी हैं, और आज हम लोग पढ़ लेते हैं क्या आइसलैंड के बारे में, ज़बरदस्त तरीके से एकदम पढ़ेंगे। ठीक, देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पर आपका पड़ता है ये वाला। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका ये लक्षद्वीप है। ये सब आपका क्या है, ये लक्षद्वीप यहाँ पर। ठीक, ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप एकदम घोड़े की नाल के आकार की तरह है। लक्षद्वीप घोड़े की नाल के आकार की तरह है। अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था यूनियन टेरिटरी, तो उसमें मैंने आपको ये सब बताया भी था। लक्षद्वीप आपका क्या है, घोड़े के नाल के आकार है। और यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, लगभग 90% लोग यहाँ पर क्या है, मुस्लिम है। देखिए, जब भैया हमारा देश आज़ाद हो रहा था 1947 में, तो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था ये वाला। ठीक, तो ऐसा हुआ था कि जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है वो क्षेत्र पाकिस्तान का हो जाएगा। ठीक, तो हुआ क्या, जब हम लोग आज़ाद हो गए ना, तो हमारी नौसेना यहाँ पहले ही पहुँची, पाकिस्तान के बाद में आई, इंडिया का झंडा पहले ही फहरा दिया गया। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया। तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी क्या है, ज़्यादा। इसमें बेसिकली लगभग आपके 36 छोटे छोटे द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं, 36 छोटे छोटे द्वीप हैं। इन द्वीपों में फेमस आपका ऊपर वाला होता है कावारत्ती, और नीचे वाला मिनीकॉय। ऊपर कावारत्ती, नीचे क्या है, मिनीकॉय। कावारत्ती मिनीकॉय को अलग करने वाला मैंने सब बता रखा है। चैनल आपका है 9 डिग्री चैनल। क्या है, 9 डिग्री चैनल। जिसने भी नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। यूनियन टेरिटरी जब मैंने पढ़ा था तो बताया था कावारत्ती है ना, और आपका मिनीकॉय। कावारत्ती पर ही बेसिकली लोग ज़्यादा रहते हैं। मिनीकॉय आपका पक्षियों के लिए फेमस है, पूछा गया क्वेश्चन, पक्षियों के लिए फेमस है आपका कौन, मिनीकॉय द्वीप। छोटे छोटे लगभग 36 द्वीप है ना। सबसे छोटा आपका यूनियन टेरिटरी भी कौन है आपका, ये आपका है लक्षद्वीप। ठीक, घोड़े की नाल के आकार की तरह है। इधर आप देखेंगे तो आपका क्या मिलेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बेसिकली अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल क्या बताया था मैंने, 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार के ऊपर तो मैंने एक वीडियो एकदम सेपरेट बना रखा है, एकदम बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया कि अंडमान और निकोबार को ये सब जापान वालों ने गिफ्ट दिया था, किसे, सुभाष चंद्र बोस को। ऊपर वाला एक कोको आइलैंड होता है, इसकी कैपिटल नीचे पोर्ट ब्लेयर जो सबसे दक्षिणी अंडमान पर है, ऊपर नीचे आपका लिटिल अंडमान। ये दुनिया भर की चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। और ये जो आपका होता है ना, इसमें लगभग 572 छोटे छोटे द्वीप हैं, लगभग 572 छोटे छोटे द्वीप हैं। इसकी जो राजधानी थी वो आपकी पोर्ट ब्लेयर, वो राजधानी इसकी क्या थी। जिसने भी दोस्त वो वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, इसको डिटेल में देख लीजिए, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। और मैंने यहाँ की कुछ जनजातियाँ बताई थी, जैसे यारवा सबसे पुरानी जनजाति, और आपकी एक सैम्पेन जनजाति हो जाती है, और एक सेंटलीज बहुत खतरनाक होती है। सब ऐसे घूमा करते हैं एकदम बिना कपड़ों के ही, और तीर धनुष लिए तीर धनुष लिए घुमा करते हैं, सीधे तीर ही मार देते हैं। बहुत खतरनाक जनजाति होती है सेंटली। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका पेपर में, सबसे खतरनाक। और यहाँ पर दो आपकी जो ज्वालामुखी हैं, एक आपके नारकोंडम और एक बैरन। ठीक, बैरन ज्वालामुखी जो क्या है, वो उसमें से धुआं निकलता रहता है। नारकोंडम जो है ना, वो सुसुप्त है, मतलब सोई हुई है। ठीक, और बैरन से धुआं हुआ निकलता रहता है। तो ये चीज़ें यहाँ की फेमस हैं। इन दो चीज़ों को मैंने बहुत डिटेल में बता रखा, आप देख सकते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर आपका न्यू मूरे द्वीप पड़ता है। यहाँ पर आपका न्यू मूरे द्वीप, न्यू मूरे द्वीप पश्चिम बंगाल में, न्यू मूरे द्वीप। अब नीचे चले जाए जस्ट उड़ीसा में आपको मिलेगा कलाम द्वीप। उड़ीसा में आपका क्या मिलेगा, कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। बेसिकली इसका पहले नाम क्या था, इसका पहले नाम था व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अब्दुल कलाम द्वीप। कितने लोग आप में से बता सकते हैं इस कलाम द्वीप पर क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। फिर जस्ट दोस्त नीचे चले आएंगे तो आपका यहाँ पर मिलेगा आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप। क्या मिलेगा, श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक, श्रीहरिकोटा द्वीप आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए, कलाम द्वीप पर क्या होता, मिसाइल छोड़ी जाती है। यहाँ पर क्या, जैसे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम के नाम पर ही इसका नाम रखा गया, तो यहाँ पर मिसाइल का परीक्षण वगैरह, मिसाइल छोड़ी जाती है। श्रीहरिकोटा में क्या होता है, रॉकेट वगैरह, सैटेलाइट वगैरह लॉन्चिंग किया जाता है आपका, रॉकेट सॉरी मिसाइल वगैरह यहाँ से छोड़ी जाती है आपकी। और आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका ये छोड़ा जाता है सैटेलाइट वगैरह जो लॉन्च किया जाता है ना, वो आपका कहाँ करते हैं हम लोग, श्रीहरिकोटा से आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो नई लाइन से याद रखिए, न्यू मूरे द्वीप पश्चिम बंगाल में, कलाम द्वीप उड़ीसा में, सीधे नीचे चले ये श्रीहरिकोटा द्वीप। और नीचे दोस्त चले आएंगे तो यहाँ पर आपका मिलेगा पंबन द्वीप। यहाँ पर क्या मिलेगा, पंबन, पंबन, पंबन द्वीप। कितने लोगों को याद है अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ था, यहीं पंबन में ही हुआ था, पंबन द्वीप पर, रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ आपका, पंबन द्वीप पर ही। तो यहीं पर आपका जन्म हुआ था किसका,
पीजे अब्दुल कलाम का। और अगर आप आएंगे तो यहाँ पर केरल के साइड में देखेंगे तो यहाँ मिलेगा वेलिंगटन द्वीप। यहाँ पर आपका क्या मिलेगा? वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप। दोस्त इस वाले साइड पर आपका क्या है, इस वाले साइड पर आपका द्वीप बहुत कम है, क्योंकि ये जो है ना ये धसा हुआ और ये बहुत गहरा पार्ट है इधर वाला, और ये वाला थोड़ा थोड़ा उठा हुआ पार्ट है, ये इतना धसा हुआ नहीं है, ये ना इधर वाला साइड जो है उथला हुआ थोड़ा गहरा इतना नहीं, इधर वाला बहुत ज़्यादा गहरा। तो जब गहरा ज़्यादा होगा तो द्वीप वहाँ कहाँ होंगे? ठीक, तो ये वाले एक बार शुरू से याद करिए। ऊपर न्यू मोरो द्वीप वेस्ट बंगाल में, नीचे कलाम द्वीप आपका उड़ीसा में, फिर नीचे आएंगे श्रीहरिकोटा, यहाँ से रॉकेट वगैरह, यहाँ से क्या हम करते हैं सैटेलाइट, वहाँ से आपका हो जाता है मिसाइल वगैरह, ठीक, रॉकेट वगैरह यहाँ से लॉन्च कर देते हैं हम लोग। पम्बन द्वीप पर आपका क्या होता है? एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। ये आपका वेलिंगटन द्वीप। और दोस्त यहाँ पर जाएंगे तो ये बीच में खंभात की खाड़ी है, तो ऊपर आपका मिलता है खदिया बेट और नीचे आपका आलिया बेट। ठीक, ऊपर आपका द्वीप एक है उसका नाम है खदिया बेट, खदिया बेट, और नीचे आली अली आलिया नहीं दोस्त अलिया बेट, अलिया बेट। तो ये आपके हो जाते हैं मेन मेन द्वीप समूह। अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं दोस्त। यहाँ आपका क्या पड़ता है वेस्ट बंगाल में? न्यू मोरो द्वीप, कलाम द्वीप, नीचे आएगा श्रीहरिकोटा द्वीप, नीचे यहाँ पम्बन द्वीप, ये वेलिंगटन द्वीप केरल में पड़ता है, ऊपर आपका यहाँ खंभात की खाड़ी में क्या पड़ता है? खदिया बेट और आलिया बेट। ठीक, तो ये हो जाते हैं आपके द्वीप समूह, इनको सबको तैयार कर लीजिए आप लोग। इसको मैंने डिटेल में बता रखा, क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा कहाँ से बनते हैं? इससे बनते हैं, ठीक, और इससे पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, समझ गए कि नहीं? तो इन दोनों को डिटेल में आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, बाकी छोटे छोटे इन दोनों के नॉलेज आप रख लीजिए, बाकी क्वेश्चन आपसे ज़्यादा नहीं बनते। ठीक, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए और दोस्त मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए, अपना पढ़ने का थोड़ा सा तरीका बदलिए। ठीक, और अगर आपको दोस्त अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए। थैंक यू एवरीवन।